आ गई है ब्रॉडकास्ट ऑर्जन रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी BRC की जानिब से 2021 के 31वें हफ्ते की लेटेस्ट टीआरपी रिपोर्ट सामने, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे कलर्स टीवी की कुल टीआरपी लिस्ट। तो किस शो को मिली कौन सी पोजीशन, सब्सक्राइब करना ना भूलें ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। बात करते हैं नंबर 8 की पोजीशन से, जिस पर बाजी मारी है पिंजरा खूबसूरती काने, जिसने हासिल किए हैं 0.6 की रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 7 की पोजीशन की, जिस पर है बाबरा दिल का राज 1.0 की बढ़ती हुई रेटिंग्स के साथ। अब नंबर आता है 6 पोजीशन का, जिस पर तीन शो थे सेम टीआरपी के साथ आमने सामने। पहला शो है नमक इश्का, जिसने हासिल किए हैं 1.2 की रेटिंग पॉइंट्स। दूसरा शो है शक्ति अस्तित्व का एहसास की, जिसने भी हासिल किए हैं 1.2 की रेटिंग पॉइंट्स। और तीसरा शो है मौलकी, जिसने भी हासिल किए हैं 1.2 की रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की पोजीशन की, जिस पर दो शो सेम टीआरपी के साथ दे रहे हैं एक दूसरे को कड़ी टक्कर। पहला शो है बैरिस्टर बाबू, जिसने हासिल किए हैं 1.3 की रेटिंग पॉइंट्स। और दूसरा शो है ससुराल सिमर का सीजन 2, जिसने भी हासिल किए हैं 1.3 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। अब नंबर आता है 4 पोजीशन का, पर बाजी मारी है छोटी सरदारनी ने, जिसने हासिल किए हैं 1.6 की रेटिंग पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 की पोजीशन की, जिस पर है डांस दीवाने के सीजन 3 का राज 1.7 की बढ़ती हुई रेटिंग्स के साथ। इस वीक की सेकंड पोजीशन पर बाजी मारी है उडारिया ने, जिसने हासिल किए हैं 1.8 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं उस शो की, जिसने छोड़ा सबको पीछे और पहना नंबर 1 का ताज। तो वो शो और कोई नहीं, वो शो है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11, जो कर रहा है कलर्स टीवी पर राज, जिसने हासिल किए हैं 2.7 की बढ़ती हुई रेटिंग पॉइंट्स। इससे पहले हमने टॉप 7 अपकमिंग शोज ऑफ कलर्स टीवी के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।